जय शीतला माता। दोस्तों तो दोस्तों आज है शीतला सप्तमी और कल है शीतला अष्टमी। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो शीतला माता की महिमा नहीं जानते, उन सभी लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि क्यों शीतला माता को बासी और ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। दोस्तों होली के 7 दिन के बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है और उसके अगले दिन शीतला अष्टमी, जिसे लोक भाषा में बसोड़ा पर्व भी कहा जाता है। दोस्तों मान्यता है कि माता शीतला हमें हर प्रकार के रोग से मुक्ति दिलाती हैं, जिनमें विशेष रूप से चर्म रोग, चेचक रोग और नेत्र रोग हैं। दोस्तों शीतला अष्टमी के एक दिन पहले ही माता को भोग लगाने के लिए घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और फिर वही पकवान शीतला अष्टमी के दिन माता को भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों जो बचा हुआ भोजन होता है वह किसी कुम्हारिन को दिया जाता है और कहते हैं कि माँ शीतला का वास वटवृक्ष में भी है, इसलिए इस दिन वटवृक्ष की भी पूजा की जाती है। दोस्तों इस दिन शीतला माता की कथा भी हम सबको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों वैसे तो कई कहानियाँ प्रचलित हैं, पर आज हम आपको शीतला माता और एक गरीब कुम्हारिन की कथा सुनाएंगे। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गाँव में आई और देखा कि इस गांव में उनका मंदिर नहीं है और ना ही उनकी कोई पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता को पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गाँव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन इस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारिन ने कहा, हे माँ तो यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गुंथूं। और कुम्हारिन माई की चोटी गुंथने के लिए कंघी बालों में कर रही थी कि अचानक कुम्हारिन की नज़र उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वह कुम्हारिन डर गई और डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही माता ने चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊँ। तब माता बोली, हे बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ, मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारिन से कहा, हे बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में यही निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सुहाग देना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना, साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा वासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है।
शीतला माता हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय शीतला माता।